सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। करीब दो महीने के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा फिर शुरू होने पर देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक कुल 532 उड़ानों को संचालित किया गया, जिसमें 39,000 से ज्यादा लोगों ने उड़ान भरी। आज से आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डों के खुल जाने के बाद उड़ानों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डे 28 मई से खुल रहे हैं। गौरतलब है कि करीब दो महीनों के अंतराल के बाद सोमवार से घरेलू उड़ानों का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए फिलहाल एक तिहाई उड़ानों को ही इजाजत मिली है। विदेश से भारतीयों को वापस ला रहे एयर इंडिया के विमानों को 6 जून के बाद विमानों के बीच वाली सीट खाली छोड़नी होगी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सोशल डिस्टेंसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ऐसे में विमानों में दूरी को बरकरार रखना होगा। हालांकि कोर्ट ने अगले 10 दिनों तक बीच की सीट पर यात्रियों को बिठाकर लाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 10 दिन के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और इस आदेश का असर घरेलू उड़ानों पर भी पड़ सकता है। कोविड-19 के बावजूद सरकार ने किसानों से पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक गेहूं खरीदा है। उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक इस साल 24 मई तक सरकार ने किसानों से 341.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 341.31 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। लॉकडाउन के बाद गेहूं की कटाई से लेकर उसे मंडियों तक पहुंचाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकार ने खरीदारी के इस लक्ष्य को पूरा करते वक्त कोविड-19 के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पूरा ख्याल रखा। प्रवासी कामगारों को उनके कार्य के लिहाज से काम देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कामगार श्रमिक सेवा योजन और रोजगार कल्याण आयोग का गठन किया है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लौटे करीब 25 लाख प्रवासी श्रमिकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस काम को राजस्व विभाग कर रहा है। इन लोगों को इंटर्नशिप के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभाती आयोग प्रवासी मजदूरों के हित में काम करेगा। आयोग कामगारों की स्केल मैपिंग और रोजगार पर काम करने के साथ साथ उनके वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बीमा के बारे में भी विचार विमर्श करेगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभागों से संबंधित संसद की स्थायी समितियों की नियमित बैठकों के आयोजन के लिए संसद के दोनों सचिवालयों की तैयारियों की समीक्षा की। सभापति ने कक्षों की उपलब्धता को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों सदनों के महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहे। लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद एक बात सामने आई कि संसदीय एनेक्सी क्या सिर्फ मुख्य समिति रूम ही सभी दिशा निर्देशों पर खरा उतरता है। इसलिए नतीजा ये निकला कि विभागों से संबंधित 24 संसदीय समितियों की बैठक के लिए एनेक्सी में ही 9 कमरे और दूसरी समितियों की बैठक के लिए 6 कमरे तैयार किए जाए। सभापति ने इस बाबत राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से बात भी की। निर्विरोध चुने गए राज्यसभा के 37 सांसदों की शपथ के लिए राज्यसभा सचिवालय तारीख तय कर रहा है। सभापति ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों को कहा है कि लॉकडाउन के बाद इसकी तैयारी करें। सभापति ने चुनाव आयोग से भी बात की है ताकि 7 राज्यों की 18 खाली राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव करवाए जा सके। बैठक में अधिकारियों को सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए अन्य कक्षा में माइक्रोफोन सुविधाओं के साथ बैठने की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के सूखाग्रस्त उदयगिरी क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई संबंधी जरूरतों पर चर्चा की गई। बैठक में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव और जल संसाधन मंत्रालय के सचिव भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल के दिनों में उदयगिरी क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद में यह बात सामने आई कि क्षेत्र में अधिकांश टैंक और बोरवेल सूख गए हैं और विभिन्न जल आपूर्ति योजनाएं पूरी तरह से पानी की जरूरत को पूरा नहीं कर रही हैं। लोगों ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि यह लगातार 7वां वर्ष है जब इस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। उपराष्ट्रपति ने जल संसाधन सचिव को केंद्रीय जल आयोग के साथ चर्चा करने और तकनीकी
व्यवहार्यता के बारे में पता लगाने की भी सलाह दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आज 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री आज रिजल्ट जारी करेंगे। हालांकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। शिक्षा मंत्री की ओर से परीक्षा फल की घोषणा से संबंधित प्रेस रिलीज और अन्य विवरण अपलोड कर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट www.biharboardonline.com पर देख सकेंगे। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।